Hi friends, good afternoon. Myself Mukhtar Alam. I am here to discuss about airway system. Okay? Airway system क्या है? कैसे work करता है? किस vehicles में होता है? कहाँ use किया जाता है? इसके बारे में हम आज discuss करने वाले हैं. Airway system का पूरा structure already बना हुआ है. इसका working क्या है? Parts कौन parts? किसका किस parts का क्या काम है? इसके बारे में आपको हम आज पूरा detail में जानकारी देंगे. तो एयरवे सिस्टम मतलब चलाने के लिए सबसे पहले जिस पार्ट की जरूरत पड़ती है वो हमारा एयर फिल्टर, क्योंकि एयरवे सिस्टम ओनली एयर से ऑपरेट होता है. कहां से ऑपरेट होता है? एयर से. तो एयर एटमॉस्फेयर से खींचते हैं तो एयर क्लीन होता है क्या? उसमें कुछ डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए हमको उसको क्लीन करने के लिए एयर फिल्टर की जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले हमको एयर फिल्टर लगाना पड़ता है. एयर फिल्टर को एयर फिल्टर के माध्यम से एयर को क्लीन करते, उसके बाद उसको रिजर्वायर में सेंड करते. इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एयर में अगर कुछ पार्टिकल्स होंगे तो हमारा जो ब्रेक चेम्बर्स है, ठीक है, अनलोडर वाल्व है, सेफ्टी वाल्व है, फिल्टर है, तो इसमें जाके उसको डैमेज कर सकते हैं. तो फर्स्ट सबसे पहले एयर फिल्टर से एयर पास होती और उसके बाद एयर कंप्रेसर में इनलेट करती. एयर कंप्रेसर एयर को सक करके फिल्टर में भेजता, ठीक है. फिल्टर में एयर को फिल्टर करके करने के बाद एयर टैंक में भेजते हैं. और एयर टैंक में दो टैंक रहते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड, एक एयर टैंक एक रिजर्वायर. एयर टैंक और रिजर्वायर दो रहते हैं, क्योंकि एयर को रिजर्वायर का मतलब ये है कि आपने पढ़ा होगा कि मास्टर सिलेंडर में भी रिजर्वायर होता है. रिजर्वायर का मतलब कि अगर इसमें एयर कम हो गया तो यहाँ से एयर लेके हम फिर से एयर को सप्लाई कर सकते हैं. इसलिए जब कभी भी जिस गाड़ी में आप देखेंगे हमेशा आपको दो टैंक मिलेंगे. ये नहीं कि एक बड़ा टैंक लगा दिया और काम चल रहा है, दो टैंक ही यूज करेंगे. तो एक रिजर्वायर रहेगा और एक टैंक रहेगा, ठीक है. तो फिर फिल्टर, फिल्टर का काम क्या है? एयर को फिल्टरित करना. एयर को फिल्टर क्या करता है? आप कहोगे की ऑलरेडी यहाँ पे इसको फिल्टर कर चुके हैं, बट क्या है कि एयर में अगर जरा सा भी नमी है, एटमोस्फेयर की नमी रहती ना, तो जो भी नमी है उसको सोख लेता है. एक फिल्टर रहता है, उसको सोख लेता है, फिल्टर भी करता है. फिर एक उसके बाद एक अनलोडर वाल्व रहता है. अनलोडर वाल्व और सेफ्टी वाल्व. सेफ्टी वाल्व अनलोडर वाल्व का वर्क क्या है? सेफ्टी वाल्व का वर्क क्या है? कभी कभी क्या है कि कंटिन्यू हमारा कंप्रेसर चल रहा है और एयर यूज नहीं कर रहे हैं, तो कंटिन्यू एयर सप्लाई कर रहा है कंप्रेसर, तो उस कंडीशन में सेफ्टी वाल्व हमारा वर्क करता है. सेफ्टी वाल्व वर्क कैसे करता है? जैसे अगर एयर ज्यादा हो गया तो एयर को रिलीज करेगा, ठीक है. एयर को रिलीज करेगा मतलब जितना प्रेशर मेंटेन रखना है, 4 kg प्रेशर मेंटेन रखना है तो 4 kg ही रखेगा, उससे ज्यादा प्रेशर मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है. उसके बाद हम आते हैं ड्यूअल वाल्व. ड्यूअल वाल्व क्या है? ड्यूअल वाल्व हम जो एयर ब्रेक सिस्टम जिस गाड़ी में लगा होता है ब्रेक पैडल के जस्ट नीचे या ब्रेक पैडल के माध्यम से किसी लिंकेज से जोड़ सकते हैं उसको हम, या डायरेक्टली ज्यादातर मैक्सिमम डायरेक्टली ब्रेक पैडल के नीचे ही ड्यूअल वाल्व का यूज होता है, जिससे वहां पर एक पिन लगी रहती है, हम ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं और पिन को दबाया रहता है. वहां पर चार चैम्बर्स रहते हैं अलग अलग, जिसे कि एक इधर बूस्ट के लिए रहता है, इधर पहिए के लिए अलग अलग चैम्बर्स रहता है. तो उसको जब हम प्रेस करते हैं तो वहां से एयर रिलीज होती है. एयर रिलीज होने के बाद डायरेक्ट बूस्टर में आके आती है और उसको प्रेस करती है, इससे हमारा ब्रेक अप्लाई हो जाता है, ठीक है. ब्रेक अप्लाई होने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर ब्रेक सिस्टम में जब तक हमारा व्हीकल्स हम उसको स्टार्ट करके कंप्रेस एयर को भर के उसको ब्रेक को रिलीज नहीं करेंगे तब तक हम व्हीकल्स को चला नहीं सकते, ठीक है. तो इसी में पार्किंग ब्रेक की भी सुविधा रखी गई है. पार्किंग ब्रेक कैसे वर्क करता है? पार्किंग ब्रेक जनरली रियर व्हील्स में ही मतलब यूज किया जाता है. पार्किंग ब्रेक के लिए एक हैंड लीवर लगा रहता है जो पिछले बूस्टर से मतलब जो है जुड़ा रहता है. तो क्या होता है पार्किंग ब्रेक में, जब हम रियर बूस्टर की एयर को रिलीज कर देते हैं तो उसमें हमारा क्या है, पार्किंग ब्रेक अप्लाई हो जाता है. वो कैसे? पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने के लिए ये हमारा बूस्टर है. इस बूस्टर में एक बड़ा सा स्प्रिंग रहता है, ठीक है. इस स्प्रिंग की टेंशन से ये रॉड दबी रहती है और ये छोटा सा चेंबर रहता है इधर. इस चेंबर में जब हम हवा भरते हैं तो ये यहाँ से कट रहता है. हवा भरते हैं तो ये हवा का दबाव जब यहाँ पर पड़ता है तो ये इधर को धक्का देता है, तो ऐसा हमारा ब्रेक अप्लाई होता है. बट जब
हैंड ब्रेक का यूज मतलब यूज करते हैं तो ये जस्ट उल्टा हैंड ब्रेक में यूज करने के लिए क्या इसमें जो हवा भरी रहती है इसमें इस चेंबर में इस हवा को हम रिलीज कर देते हैं तो जब हवा को रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग का दबाव पड़ेगा इस राड को पूरे राड को धक्का देगा तो हमारा हैंड ब्रेक अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से हमारा एयर ब्रेक सिस्टम वर्क करता है।